हेलो एवरीवन, आज हम हैं चेन्नई में और मैं आपको ले जाऊंगा एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल की सैर पर। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, सभी को स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में, और जो नए व्यूअर्स है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिस ना कर पाए। तो चलिए चलते हैं एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल। एक्सप्रेस एवेन्यू चेन्नई के रोयापेटा एरिया की वाइट्स रोड के ऊपर स्थित है। 10 एकड़ के साइट पे फैली ये मॉल चेन्नई की सबसे बड़ी मॉल्स में से एक है। ये मॉल चेन्नई की ऐतिहासिक एक्सप्रेस एस्टेट के ऊपर स्थित है और ये इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की एक जॉइंट वेंचर है। इस मॉल कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग मॉल के अलावा इंडियन एक्सप्रेस के कॉरपोरेट ऑफिस और एक ई होटल नाम के 44 रूम का 4 स्टार होटल भी स्थित है। इस मॉल में 3 लेवल पार्किंग एरिया है जहाँ पे 2000 कार्स या व्हीकल्स रखी जा सकती हैं। बाहर की तरफ से मॉल की डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छी है और आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर के लाइट्स जो है रेगुलर इंटरवल्स पर चेंज हो रहे हैं मॉल पे, तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये। तो अभी हम अप्रोच कर रहे हैं मेन गेट की ओर जो कि साइड पे है, वाइट्स रोड की साइड पे ये गेट है और एग्जिट गेट सामने की तरफ है। सो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है। अभी हम मॉल के अंदर पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सजावट है अंदर और वैरायटी ब्रांड्स की दुकानें हैं, शॉप आउटलेट्स हैं। तो चलिए चलते हैं सेंट्रल एरिया की ओर। ये मॉल 31 अगस्त 2010 को पहली बार इसका ओपनिंग हुआ था। इसको बनाने में 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 7500 करोड़ इंडियन रुपीस का खर्चा आया था। एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में 6 लेवल्स हैं और इनको कनेक्ट करने के लिए है 26 लिफ्ट, 34 एस्केलेटर और 4 ट्रैवलेटर्स। एक्सप्रेस एवेन्यू में 210 रिटेल आउटलेट्स है और साथ ही साथ में हैं लाइफस्टाइल, बिग बाज़ार, पेंटलून, H&M जैसे 10 रिटेल चेन्स और बर्बरी, मॉन्ट ब्लैंक, लकोस्टे, मचिस्मो, अरमानी जैसे स्टैंड अलोन स्टोर्स। चेन्नई की सबसे बड़ा गेमिंग आर्केड भी इसी मॉल में स्थित है और यहाँ पे बच्चों के लिए भी एक डेडिकेटेड फन एरिया है। शहर का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स एस्केप सिनेमास इसी मॉल में स्थित है जहाँ है 8 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स और 1600 सीटिंग कैपेसिटी। यहाँ के 50,000 स्क्वायर फीट फूड कोर्ट ये गार्डन में आपको मिलेंगे 25 काउंटर्स और वैरायटीज फूड ऑप्शंस जैसे कि नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, अमेरिकन और इटालियन, और साथ में चिलीज, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, टैको बेल, KFC और पिज़्ज़ा हट में खाने के ऑप्शंस भी। आपको एवरीडे शॉपिंग करना हो या विंडो शॉपिंग, ये मॉल आपको आना ही है अगर आप चेन्नई में हो तो। यहाँ की जो एम्बियंस है, जो एटमोसफेयर है वो बहुत ही खूबसूरत है और एक थकान भरे दिन के बाद आपको रिजुविनेट करने के लिए ये जगह बहुत ही परफेक्ट है। यहाँ पे आपको एक साथ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी जो शायद ही आपको बाहर कहीं मिले, इसीलिए आपको एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल एक बार तो आना ही है अगर आप चेन्नई में हो तो। और हम जब आए थे यहाँ पे तो हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद, जो ऐसे टोटली हम ट्रांसफॉर्म हो गए थे चेन्नई से किसी दूसरी दुनिया पे। तो अगर आप चेन्नई में हो तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। एक्सप्रेस एवेन्यू के बारे में अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप बेझिझक हमारे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।
या आप यहाँ पे पहली बार अगर आ चुके हैं तो यहाँ के बारे में कुछ कमेंट्स है तो वो भी आप कर सकते हैं कमेंट्स में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए। और मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिन पे आप वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आप हमारे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और हमारे ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं और चैनल में वेरियस प्लेलिस्ट भी दिया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ है और हैव अ नाइस टाइम।